साइंटिस्ट है, जस्ट सेकंड में बैकड्रॉप उधर है, अच्छा है, इधर का निपटा देते हैं। चल मैडम इधर सामने देखिए, यहाँ पे मैम सेंटर सर, इधर सामने देखिए सुभाष जी, इधर सेंटर में देखिए आप सुभाष जी, सर इधर इधर सामने सर, राइट में सर, सेंटर में देखिए थोड़ा सा यार, ये मुझे हमेशा अपना फ्रेश खाने के लिए कट कर सर, सर इधर देखिए सेंटर इधर मैम, इधर सर इधर उधर बाद में, उधर बाद में सर, इधर देखिए सर, इधर सर सेंटर देखिए, सेंटर सर सेंटर सर, इधर थैंक यू सर, यहां के लिए कर रहे तुम लोग, प्यार से रहो ना सर, यहां पे सर, यहाँ पे स्ट्रीट सर, रुक जाइए एक मिनट, थैंक यू थैंक यू, वेट 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 सर, इधर भी इधर बोलिए क्या सवाल है आपके हिंदी में अंग्रेजी में ही पहले बता दीजिए, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, आप जिस में कहेंगे उसमें। देखिए जब अवार्ड मिलता है तो खुशी तो होती है कि किसी ने आपके काम को या आपकी सोच को सराहा है, और ख़ास तौर से ऐसा अवार्ड क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल होने का अवार्ड है, ये एक तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हर काम में एक सोशल कॉन्शियसनेस एक लाऊँ, चाहे वो फिल्म की एक्टिंग हो, चाहे कोई कॉलम लिखना हो, कहीं पर बात करना हो, और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने ज़िंदगी को एक मायने देने के लिए मेनली। और मेरी जो अभी नेक्स्ट फिल्म आ रही है मंटो, ये भी उसी एक धारा का हिस्सा है एक तरह से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मंटो की कहानी आज के ज़माने के लिए बहुत रेलेवेंट है, तो कोशिश यही है कि मंटो भी हमें याद दिलाएं कि क्यों ज़रूरी है सच बोलना, ऑनेस्ट होना, दूसरों के बारे में सोचना, सेंसिटिव होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और उनकी कहानी से हम आई थिंक काफ़ी प्रेरित हो सकते हैं। जी पीरियड फिल्म है, लोग समझते हैं पता नहीं 40s की फिल्म है, नंदिता बड़ी सीरियस टाइप की है, पता नहीं कैसी फिल्म होगी, लेकिन ट्रेलर के रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि बहुत लोग रिलेट कर पा रहे हैं। आई थिंक लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट से ज़्यादा ज़रूरी शब्द है एंगेज। अगर ऑडियंस एंगेज हो गई तो फिर वो ये नहीं ढूंढती रहती कि सिर्फ गाने बजाने से ही एंटरटेन हो सकते हैं, और ये एक इंसान की एक राइटर की कहानी है,
और वो किस तरह से, वो उनकी क्या परेशानियाँ थीं, वो क्यों बॉम्बे जिस शहर को वो इतना प्यार करते थे, वो कहते थे मैं चलता फिरता बम्बई हूँ, तो ऐसा ऐसा एक आदमी जो इतना प्यार करता था वो क्यों चला गया, क्या वजह हुई कि वो लाहौर गए, फिर उनके साथ क्या बीता, किस तरह की उन्होंने कहानियाँ लिखी, कहानियों की भी झलक आपको दिखाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं एंड आई थिंक यंग लोग भी बहुत रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि सबके अंदर एक गुस्सा, एक जोश है। सो आई थिंक वो कह पाने का एक मौका मिल रहा है मंटो के थ्रू, बिकॉज मंटो भी एक रिबेल थे और हम लोग सब फ्रीडम चाहते हैं अपना, अपने लिए भी, अपने समाज के लिए भी। सो आई थिंक लोग रिलेट कर पाएंगे इस फिल्म के साथ। थैंक यू। What is the difference you have seen all the over the years in your knowledge of Bombay or Mumbai changing? मेरी पैदाइश, इंग्लिश में बोलूँ ये वाला, ओके, आई वॉज बॉर्न इन बॉम्बे एंड आई देन शिफ्टेड टू दिल्ली व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल एंड आई ग्रू अप, माय एंटायर लाइफ वाज इन दिल्ली। पिछले 7-8 साल से ही मैं बॉम्बे आई हूँ। द बॉम्बे दैट माय फादर यूज्ड टू टॉक अबाउट वेयर राइटर्स, पोएट्स, फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट वो ऑल सॉर्ट ऑफ वाइब्रेंट, यू नो, लुकिंग एट ईच अदर्स वर्क, वो ज़माना आई थिंक कुछ कुछ जा रहा है। But that's not just Bombay. Bombay was a very cosmopolitan city. It was a city where the workers' movement started, where the progressive writers started. So I don't know if that same vibrancy is there, but it's up to us. We don't have anyone else to blame. I think we can make it as vibrant as it always was. Iconic structure, property, and a part of film industry story. RK Studio says been alluded to us. कहा जा रहा है, ऋषि जी ने confirm भी किया है। जी, in fact. ऋषि जी हमारी फिल्म में भी एक छोटा सा रोल कर रहे हैं। ही वॉज़ रियली रियली वेरी सपोर्टिव। मैंने उनको कहा कि हमारी फिल्म, मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुँचे और उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने किया। और तब मैं गई थी आरके स्टूडियो क्योंकि हमारे पास एक फिल्म स्टूडियो का भी सेट था, तो मैंने अंदर से भी उसको देखा और इतना खूबसूरत, अभी भी वो पुरानी जो जिस तरह का आर्किटेक्चर है, वो पुराना जो यू नो बांस के उसमें जो बनाते हैं, जो तराफा जिसको कहते हैं, लकड़ी के होते हैं, रस्सियों से टंगे होते हैं, जो ओल्ड स्टाइल ऑफ शूटिंग दोस बिग स्टूडियोज़, वो अभी भी है। सो ऑफ कोर्स इट फील्स सैड, बट जिस फैमिली को उसको संभालना है, आई एम श्योर दे हैव हैड चैलेंजेस बिकॉज ऑफ विच इट्स नॉट ईजी टू मेनटेन दोज ओल्ड स्टूडियोज़। बट जो भी इसे ले, आई होप जो उसके साथ जो पूरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और कुछ उसका हिस्सा हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए कुछ कहानियाँ छोड़ के जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या ले, जस्ट डू अ थिंग। क्या चाहिए? ओह, अवार्ड। अच्छा लगेगा। थॉटफुल, वेरी थॉटफुल ऑफ यू। यूथ आइकॉन का जो अवार्ड आज मिला है, फीलिंग बहुत अच्छी है। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये एक ऐसा अवार्ड है जिसके लिए आप कभी भी तैयारी नहीं कर सकते हो। एक बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट होस्ट के लिए, बेस्ट प्रोड्यूसर के लिए, सब सिंगर के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन ये आपकी लाइफ में तब होता है जब आप अपना काम सही तरीके से करें और करते करते कहीं ना कहीं कुछ लोग जो यूथ है जो आपको देखते हैं वो आपसे इंस्पायर होना शुरू करें। तो ये आई एम ग्रेटफुल कि लाइफ में ऐसा काम करने को मिला, ऐसी चीज़ें करने को मिली जिसकी वजह से पीपल लुक अप टू मी और आई एम हैप्पी दैट आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट। लेकिन इसके साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके साथ आता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसको अभी और भी तगड़े तरीके से करना है। एंड मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्यार करते हो एज अ पैशन, उसके पीछे आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी फील्ड हो, और मैं अपने यूथ को बोल रहा हूँ, सो दैट वो पैशन आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन जाए जिसकी वजह से आप खुश रहें, आप एफिशिएंट रहें, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिले। एंड वो मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं अपने एग्जांपल से बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को की तरफ मेहनत करें और टाइम वेस्ट ना करें एक यंग एज में,
तो आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। सो बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं, ऐसा कौन सा अवार्ड है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा खास है? अवार्ड्स एक तरीका होता है लोगों का आपको अप्रिशिएट करने का। तो आई थिंक जब लाइफ में आपको अपने चाहने वाले या ऐसे लोग जिनको आप देखकर बड़े हुए हैं, यू लुक अप टू देम, लाइक माय ग्रैंडफादर। द फर्स्ट टाइम मेरे दादाजी ने मेरे को बोला था कि यू आर द बेस्ट ग्रैंडसन। ऑफ कोर्स मेरे भाई लोग भी हैं, उनको बुरा लगेगा, बट इट वाज अ ग्रेट अवार्ड बिकॉज ही इज अचीव्ड अ लॉट। फॉर हिम टू रिकॉग्नाइज दैट, चाहे वो घर का अवार्ड हो चाहे कुछ भी हो, ही कॉल्ड मी टू हिज कॉलेज एंड ही गिव मी एन अवार्ड हिमसेल्फ। इट वाज ग्रेट। देन अगेन माय मम एंड डैड, व्हेन दे रिकॉग्नाइज यू, इट्स अमेजिंग। एंड देन उस स्ट्रेंथ की वजह से बाकी के बाहर लोगों से आपको अवार्ड मिलता है। एंड आई बी ऑनेस्ट, अ यूथ आइकॉन अवार्ड इज रियली अमेजिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं कि आपका हुनर अच्छा है, इसका मतलब ये है कि यार आप जो भी करते हो उसके साथ आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको निभाते हो, आप लोगों को अच्छे मैसेजेस देते हो। सो दिस इज वेरी वैल्यूएबल। ये सिर्फ एक, इट्स नॉट जस्ट अनदर अवार्ड, बट थैंक्स फॉर द क्वेश्चन मैन। There's about to? They're planning to sell the RK Studio. Set. How are you? RK Studio, Taj Kapoor Ji ke jo studio. I know RK Studios. What is? Usko Rishi Kapoor Ji aur pure parivar ne ye decision liya hai ki usko sell up karne. Pichli baar jab aag lagi thi uske baad mein. Okay. Aajkal mein. So here's the thing. Because ye ek family ka decision hai, because ye unka business hai, it's up to them. Or of course I have some good memories with RK Studios, and it's always great to go to a place jahan par you know so many amazing people are part of. And you know, biggest studios in the world, they've also gone from one family or one business family or one corporate to another. So it's a normal thing, and it's great. It's up to the family. Agar mera decision hota aur main saath mein hota to fir kuch aur baat hoti, because then we could but it's not mine. जब मेरा होगा तब देखेंगे। This is their decision. जैसा फरीद का ये मतलब, तो कुछ आपकी कुछ यार कुछ जुड़ी हो, जब आप कभी जाने का अवसर मिला हो? मैं एक्चुअली RK Studios में कुछ शूट चल रही थी, हमारे शो की शूट चलती हैं, ऑडिशन वगैरह होते हैं, और मैं किसी शो पर एक जज भी था। बट आई रिमेंबर व्हेन आई वॉक्ड अप टू द फर्स्ट फ्लोर एंड आई सॉ ऑल द पोस्टर्स ऑफ ऑल द ग्रेट वर्क दैट द फैमिली इज डन, इट वॉज अ वॉक डाउन मेमरी लेन। अब बचपन से अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम से, और उससे पहले अपने दादा के से मुंह से भी कुछ मूवीज़ के नाम सुने, और उनके असली पोस्टर देखना वाज अमेजिंग। सो आई एक्चुअली फेल्ट लाइक आई एम पार्ट ऑफ समथिंग दैट हैज ह्यूज हिस्ट्री, सो इट वाज अमेजिंग टू बी देयर। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर द डिस्कशन व्हिच हैपेंड एट करण एंड निया, एंड वेरी वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। तो व्हाट दे वर अपार्ट फ्रॉम ऑल द पीपल हु वर देयर, I really appreciate your views, और again क्योंकि आप इतने लोगों को सवाल पूछते हैं, उनके जवाब सुनते हैं, this is like another award। like आपने कहा ना कैसे अवार्ड, मुझे ये अवार्ड ज़्यादा पसंद है कि लोग बोले कि उन सब में आपने जो बोला मेरे को मज़ा आया, and then, so I appreciate that man, thank you, thank you guys। इसके साथ खाना खा लेना टाइम पे। हाँ जी, आज बड़ी खुशी है मुझे कि अवार्ड मिला है, बहुत खुश हूँ मैं। किस चीज का? मैं तो अंदर थे नहीं, लेकिन अगर आप बताएं। ये आज हमारी जोड़ी का अवार्ड मिला है, कृष्णा सुदेश की जोड़ी इतनी हिट हुई है, लोगों ने इतना पसंद किया है, प्यार दिया है, तो आज ये अवार्ड मिला है। सर, काफी दिनों से अलग हैं, दूर हैं आप स्क्रीन से, वापस से कब एक नए चीज के साथ आने की तैयारी है? हाँ, अभी लाइव शो ज़्यादा चल रहे हैं, अभी अमेरिका कनाडा का टूर है, वहाँ जा रहे हैं, फिर आके एक शो करेंगे, टीवी शो, वो थोड़ा मैं अभी चल रहा है, वो अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं अभी पूरा बता तो सकता नहीं मैं, लेकिन आएगा अपना शो। सर, सभी लोग आपसे जानना चाह रहे थे आपके विचार और आपके बात, आज के स्टूडियोस राज कपूर जी का जो स्टूडियो था चंदपुर में, अब उसके लिए उन्होंने सोचा है उसको मतलब बेच दें, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी कुछ यादें आपके स्टूडियोज के साथ?
कौन ऐसा एक्टर होगा, कौन सा कलाकार होगा कि जो आरके स्टूडियो से नहीं जुड़ा होगा? ये शुरुआत ही हम लोगों की वहीं से है। मतलब मैंने काम तो नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्में देख देख कर हम बड़े हुए हैं, तो वो तो हम इमोशनल हैं सब उस चीज़ के लिए। ये एक बड़ा डिसीजन है, आपको लगता है 70 साल की लेगेसी कपूर परिवार की और अब उसको विदा हो रही है? देखिए ये पर्सनल चीज़ें हैं, उनके अपनी पर्सनल चीज़ें क्या करते हैं। जैसे हम लोग हैं अपने लेवल पे कोई चीज़ से जुड़े होते हैं, घर से जुड़े होते हैं, अपने ऑफिस से जुड़े होते हैं, अपने स्टूडियो से जुड़े होते हैं। हमको भी कभी ऐसा करना पड़ता है, वो क्या है उस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। पर एक एरा का अंत है सर, और एक मतलब इतना ऐतिहासिक पूरा ये रहा है आरके स्टूडियोज का, और हम सभी के लिए थोड़ा सा गम। वो नाम से हम जुड़े हुए हैं ना, कलाकार जो हैं नाम से जुड़े होते हैं कि उस चीज़ से जब वहाँ से निकलते हैं तो हम एक देख के खुश होते हैं, अरे वो देखो आरके स्टूडियो। पुरानी फिल्मों में अगर देखा जाए तो वो जब आरके स्टूडियो आता है शुरू में, उससे जुड़े हम लोग इमोशनल हैं। लेकिन जो जिनकी वो चीज़ है या वो उनका पर्सनल मामला है, उसके बारे में हम अंदर तक नहीं गए ना वो क्या है। लेकिन ये सच है कि हमें उस चीज़ का होगा कि वो चीज़ हमेशा रहनी चाहिए, दिखनी चाहिए। थैंक यू। सामने देख लूँ मैं। ओके, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इट्स पिछले दो ढाई साल इश्कबाज़ के साथ बहुत ही खूबसूरत रहे हैं। आई थिंक आई मैनेज टू विन एवरी अवार्ड देयर हैज़ बीन, बट ये स्पेशल है क्योंकि ये इंडस्ट्री से नहीं है, ये बाहर से है। एंड आई थिंक एनी अवार्ड फ्रॉम द सोसाइटी, स्पेशली दिस इज़ द इंडिया का दिल प्राइड पीपल्स चॉइस अवार्ड विच इज़ फ्रॉम द WCRC। आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल बिकॉज it represents the top CEOs of the country, represents a conglomeration of the best businesses and best practices in the country, and bahar se sarahana milna apni industry ke bahar se I think is an added seal of approval ki aap shayad kuch acha kar rahe hain apne kaam. To be honest, mushkil hai ki kaun sa award sabse special raha hai, kyunki I think every award gives you more of a motivation, more encouragement ki aur acha perform karo. And har award se jab main award function se jab ghar jata hu and maa baap ko apna award deta hu, to unke chehre pe jo khushi hoti hai, I think that is priceless. So every award is special, but I think this will be very special kyunki industry ke bahar se mila hai, it's from the corporate world, and I think that is wonderful kyunki kahin na kahin agar टेलीविजन इंडस्ट्री से हमारा काम बाहर जा रहा है और लोग उसे पहचान रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात है आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के लिए, ना सिर्फ मेरे लिए। थैंक यू सर। कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इंटरनेट पे और सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपको मिलते हैं जब आपकी कोई भी इंटरव्यू या कोई भी चीज़ आती है, लोग आपको देखना बहुत पसंद करते हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं देखूंगा देखूंगा। जी हाँ, तो आपका सवाल था कि बहुत लोग आई थिंक इंटरनेट पे हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अभी जो अलग अलग माध्यम हमारे ट्रेडिशनली रह चुके हैं, फिल्म, टेलीविजन, थिएटर, डिजिटल, सब
कॉन्वर्ज होकर एक हो रहे हैं. तो चाहे आप टेलीविजन में काम करें, लोग आपको फिर भी डिजिटली देखते हैं हॉटस्टार के थ्रू या बूट के थ्रू या ओल्ड बालाजी के थ्रू. अगर आप इंटरव्यू कहीं भी दें, वो आज सब जगह फैल जाता है या पहुंच जाता है सोशल मीडिया के थ्रू. आई थिंक एज एन आर्टिस्ट और एज एन एक्टर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप जब आपका अच्छा काम लोग सराहे, उसे देखना पसंद करें, एंड जब ये होता है तो ऑफकोर्स जाहिर बात है आपको खुशी होती है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल वांट टू लिसन टू योर इंटरव्यू, वांट टू लिसन टू व्हाट यू हैव टू से, क्योंकि आपने इतने साल इसी के लिए काम किया है. आई थिंक आप बहुत काइंड है. आप मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ, हर अवार्ड फंक्शन में हम मिलते हैं, बट मुझे इसमें कोई ख़ास बात लगती नहीं है. आई थिंक मैं किसी भी आम आर्टिस्ट की तरह आई थिंक अपने काम पे जाता हूँ रोज़. मुझे अपना काम बहुत पसंद है और आई एम वेरी लकी आई गेट टू वर्क विद पीपल जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, फ्रॉम एक्टर्स टू प्रोड्यूसर्स टू क्रिएटिव टैलेंट टू चैनल. एंड जब आप अच्छी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपको सफलता की तरफ ले जाती है. तो आई थिंक इट इज़ नथिंग टू डू विद मी, बट इट इज़ ऑल टू डू विद जस्ट वर्किंग हार्ड एवरी डे. जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल. तो मेरी ज़िंदगी में जब मैं एक्टर बना, मेरी दो ख्वाहिशें थी कि मैं पृथ्वी थिएटर पे परफॉर्म करूँ. आई थिंक दैट इज़ एन अल्टीमेट चैलेंज फॉर एन एक्टर, एन अल्टीमेट हाई. एंड आर के स्टूडियोज़ में मेरी शूटिंग हो. आई थिंक मेरी टेलीविजन करियर में ये 3 साल बाद मुझे मौका मिला जब मैंने वहाँ पर शूटिंग की थी एक इवेंट के लिए. एंड इट फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक क्योंकि हम सब आई थिंक राज कपूर साहब की फिल्में देख कर बड़े हुए हैं, शशि कपूर, ऋषि कपूर जी. एंड जस्ट टू थिंक ऑफ द फैक्ट कि यहाँ से वो चले होंगे, यहाँ उन्होंने ये फिल्म बनाई होगी, यहाँ उनका म्यूजियम था, इट वॉज़ वेरी नॉस्टैल्जिक. एंड आई थिंक वही फीलिंग मुझे आई थी जब मैं पृथ्वी में था, जो कपूर फैमिली का ही है. पर आई थिंक जब पिछले साल जो वहाँ पर आग लगी थी, उसके बाद काफ़ी कुछ जल गया था. एंड इट्स बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज मेंटेन इज व्हाट आई हियर. आई जस्ट होप एंड विश एज एन आर्टिस्ट, एज समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, कि कोई ऐसा कॉर्पोरेट ग्रुप आके उसे फाइनेंस करे या खरीदे जो उसे मेंटेन कर सके और उसे यू नो एज अ फिल्म म्यूजियम यूज़ कर सके. एंड एज पब्लिक जनता के लिए वो एक लैंडमार्क जगह हो जाए जहां हम जाके देख सके और वी कैन रीलिव दोस टाइम्स. वेरी वेल सेड. माय कलीग वांट्स टू आस्क, ही हैज कम स्पेशली फॉर यू हियर. 600. Yes. What do you feel regarding that and a lot of fans appreciate your work? Thank you. It feels very special. 612 episode ho gaya agar aaj ka episode mila ho jo 10 baje aayega. But I think as an actor, I think har episode aap log bahar jata hai aur audience dekhti hai, I think it's you can only be thankful. क्योंकि एक ऐसा समय था जब मुझे पता नहीं था मुझे कौन से मीडियम में काम करना चाहिए, कहाँ लोग मेरा काम देखेंगे. टू अ डे वेयर पीपल वॉन्ट टू वॉच यू, आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट. अ लॉट ऑफ पीपल वर्क हार्ड बट वेरी फ्यू पीपल गेट दिस अपॉर्चुनिटी. आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट. आई थिंक आई हैव समवेयर वर्क विद द राइट पीपल, आई हैव वर्क हार्ड. एंड मैसिव ग्रैटिट्यूड और आई थिंक थैंक यू टू द ऑडियंसेस, क्योंकि अगर वो देखना पसंद नहीं करती तो आप चाहे जितना भी एक्टिंग कर लें, आपका शो इतना लंबा नहीं चलता. तो ह्यूज आई थिंक ग्रैटिट्यूड जो हमारी ऑडियंसेस हैं उनके लिए. आज मेरी बहन आई है मेरे साथ, तो अक्सर जानकी मेरे साथ आती है. एंड मेरी बहन को मैं बहुत कम मिल पाता हूँ क्योंकि राखी कल थी, तो हमें लगा इसी बहाने थोड़ा वक्त साथ में स्पेंड कर ले. ऑल्सो शी इज़ अ प्रोफेशनल कॉल यू नो एंकर, शी इज़ ऑल्सो अ लाइफ स्टाइल कोच. सो शी हैज़ ऑल्सो कम टू एवेल्यूएट मी कि मैं ठीक से कपड़े पहन के आया हूँ कि नहीं, मैं ठीक से इंटरव्यू दे रहा हूँ कि नहीं. सो अभी मुझे घर जाते वक्त टिप्पणी मिलेगी इस पर. हाँ हाँ बिल्कुल, कि इसका जवाब सही नहीं दिया गया तो अगली बार इम्प्रूवमेंट करूँगा मैं. शुक्रिया. ऑफ माई सिस्टर नहीं है, ऑफकोर्स. थैंक यू सो मच.